बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं चरणं प्रपद्ये विश्रवा और केकसी का तेजस्वी पुत्र रावण अपने पिता विश्रवा से ब्राह्मणत्व के सारे संस्कार पाकर भी असंतुष्ट था। अब उसमें चमत्कारी सिद्धियों की भूख जाग उठी थी। उसी समय नाना सुमाली आता है और रावण में तपस्या के लिए नया उत्साह जगाता है। रावण अपने भाई बहन के साथ वन में तपस्या के लिए चला जाता है। इधर विष्णु भक्त महाराज मनु और महारानी शत्रुपा जब भगवान विष्णु की आराधना में लीन थे तभी देवर्षि नारद वहां पहुंचते हैं। महाराज वसुकी अपने युवराज केसरी के गुरुकुल से लौटने के समाचार से प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपना राजपाट सौंपने का निश्चय करते हैं। गुरुकुल से अपने राज्य की ओर लौटते युवराज केसरी को राज्य की सीमा पर कुछ ऋषि मुनियों की पुकार सुनाई देती है। वे देखते हैं कि कुछ अत्याचारी राक्षस धर्मात्मा ऋषि मुनियों पर घातक प्रहार कर रहे हैं। अत्याचार का यह तांडव देखते ही उनका क्रोध जाग उठता है और पिछले जन्म में दिए गए शिव जी के वरदान के अनुसार वे वानर का रूप धारण करके उन राक्षसों को दंड देते हुए वहां से भगा देते हैं। घायल ऋषि मुनि केसरी को बताते हैं कि महाभयानक राक्षस शंव साधन अपने राक्षसों को भेजकर निरंतर उन पर अत्याचार करता रहता है। केसरी शंव साधन की गुफा पर पहुंचकर उसे ललकारते हैं। जब केसरी के आवाहन पर शंव साधन बाहर आता है तो वानर का रूप लेकर बलशाली केसरी शंव साधन की राक्षसी शक्ति को दमित करके उसे पीट पीट कर वहां से भाग जाने पर विवश कर देते हैं। उधर महाराज मनु और शत्रुपा वन में भगवान विष्णु की आराधना करते हैं। जब नारद भगवान विष्णु के दर्शन के लिए वैकुंठ लोक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां प्रभु के दर्शन नहीं होते। देवी लक्ष्मी का उदास चेहरा देखकर नारद उन्हें समझाते हैं कि विष्णु के अगले अवतार में उनसे प्रभु का वियोग अधिक समय तक नहीं रहेगा। ये सुनकर लक्ष्मी की उदासी दूर होती है। नारद देवी लक्ष्मी को भगवान विष्णु के अगले अवतार का महत्व समझाते हुए ये सिद्ध कर देते हैं कि उनकी वियोग की स्थितियां नए संयोग के रूप में सामने आएंगी। उधर भगवान विष्णु वैकुंठ से पृथ्वी लोक पर आकर मनु शत्रुपा को दर्शन देते हैं। दोनों की प्रार्थना पर विष्णु मनु शत्रुपा के अगले जन्म में उनके अवतारी पुत्र बनने का वरदान देते हैं। उधर शाप से वानरी बन जाने वाली पुंजिकस्थला शिव के वरदान के अनुसार अगले जन्म में महाराज कुंजर की राजकन्या अंजना के नए रूप में प्रकट होती है। शंव साधन जब केसरी से बदला लेने के लिए राक्षसों का आह्वान कर रहा था उसका एक दूत आकर एक सुंदर समाचार सुनाता है। इस समाचार से शंव साधन प्रसन्न हो जाता है। अरे पता है राजकुमारी अंजना, कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल मैंने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में आप इसी तरह महल के उद्यान में विहार कर रही थी। फिर क्या? आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न? हाँ, ये पूछा कि बता मेरा विवाह किससे हुआ। चल झूठी, मैं ऐसा बेतू का प्रश्न पूछ ही नहीं सकती। राजकुमारी जी, पहले ये तो पूछिए इसने उत्तर में क्या कहा। हाँ हाँ बताना क्या कहा। चल मैं नहीं बताती। मेरी अच्छी सुषमा बताना। तो फिर सुनो, मैंने कहा जो तुम्हें ये पीना फूल देगा वही तुम्हारा पति होगा। फिर क्या? मेरा स्वप्न टूट गया, लेकिन ये लो
तुम्हारे लिए पीला फूल। शैतराज कहीं है वसुंधरी? नहीं, छोड़ दे मुझे। तुझे कैसे छोड़ दूँ? तू तो मेरी सेज की शोभा बढ़ाएगी, मेरे सूने जीवन में प्रेम का दीप जलाएगी। सुंदरी, ये पीला फूल आपके जूड़े से गिरा था। जो तुम्हें ये पीला फूल देगा वही तुम्हारा पति होगा। क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? और ये राक्षस आपको कहां से उठा कर लाया था? मैं कुरु प्रदेश की राजकुमारी अंजना हूं। तो आप कुंजर नरेश की पुत्री हैं? जी। आइए, मैं आपको आपके नगर तक पहुंचा दूं। पर आप? मैं वानर राज वसुकी का पुत्र केसरी हूं। पुत्र केसरी, आज हम परम प्रसन्न हैं। आज से इस सिंहासन के अधिकारी तुम हो, पुत्र तुम। हम कुछ समझे नहीं पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं? हम वही कह रहे हैं जो इस राज्य की प्रजा ने निश्चित किया है। हम सबकी यही इच्छा है कि तुम इस राज्य के नरेश बनकर शासन चलाओ।
बोलो वानर राज केसरी की जय। वानर राज केसरी की जय। गुरु देश के अधिपति अमर कीर्ति के धारक महाराज कुंजर पधार रहे हैं। उनका स्वागत है प्रतिहारी, उन्हें आदर सहित ले आओ। महाराज कुंजर पधार रहे हैं। आपका स्वागत है गुरु नरेश, पधारिए। महाराज, हम युवराज केसरी को बधाई देने आए हैं, हमारी बधाई स्वीकार कीजिए। महाराज, इस शुभ अवसर पर हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। अवश्य महाराज, निवेदन क्यों, आज्ञा दीजिए। महाराज, युवराज केसरी ने हमारी सुपुत्री राजकुमारी अंजना के प्राणों की रक्षा की है। हम कुछ समझे नहीं महाराज, तनिक स्पष्ट कीजिए। शंभु साधन असुर राजकुमारी अंजना का हरण करके ले जा रहा था, युवराज केसरी ने उसका वध करके राजकुमारी अंजना के प्राण व शील की रक्षा की। महाराज, अब आप राजकुमारी अंजना को अपनी राजवधु के रूप में स्वीकार कीजिए। महाराज केसरी, क्या आपको ये विवाह प्रस्ताव स्वीकार है? जैसी आपकी इच्छा, मैं गुरुजनों की आज्ञा अस्वीकार कैसे कर सकता हूँ? धन्य हो पुत्र, तुम्हारी अपूर्व वीरता का समाचार सुनकर हम गर्वान्वित हुए। महाराज कुंजर, आप महाराज केसरी और राजकुमारी अंजना के शुभ विवाह की तैयारियां कीजिए। महाराज केसरी की जय। महाराज केसरी की जय। महाराज केसरी की जय। मेरे साथ ही अन्याय क्यों?
मेरी आराधना का के यही फल मिलना था मुझे। वरुण देव, आपने हमसे प्रार्थना की थी कि पवन देव को स्वर्ग वापस ले आए। हाँ देवेश, पवन देव को स्वर्ग से गए बहुत समय बीत चुका है, अब हमें उन्हें स्वर्ग वापस आने का आमंत्रण देना चाहिए। और फिर कुंजिक स्थला का अब तो अंजना के रूप में पुनर्जन्म हो चुका है। इतना ही नहीं, उनका विवाह भी वानर राज केसरी के साथ हो चुका है। देवराज, ये आप क्या कह रहे वरुण देव? हाँ देवराज, पाणी ग्रहण के समय मैं स्वयं वहाँ उपस्थित था। पवन देव अब अपने पिछले अपराध से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें स्वर्ग वापिस बुला लेना चाहिए। आप सत्य कह रहे वरुण देव, हमने सुना है पवन देव कैलाश में भगवान शिव के चरणों में प्रायश्चित कर रहे हैं, हम स्वयं उन्हें लिवाने कैलाश जाएंगे। आओ पवन देव। शिव शंकर, ये कैसा न्याय है आपका? मैंने अपनी भूल का प्रायश्चित किया, आपके चरणों में बैठकर तपस्या की, फिर भी ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मुझे मेरी पुंजिक सलाह से वंचित क्यों कर दिया गया? प्रभु, मेरे साथ ही अन्याय क्यों? आप व्यर्थी उद्विग्न हो रहे हैं पवन देव। मातंग ऋषि के शाप के साथ ही पुंजिक सलाह का कायाकल्प हो गया था। वानरी बनने के साथ ही उसने प्रायश्चित के लिए हमारी आराधना शुरू कर दी। आराधना के साथ ही पुंजस्थला पूर्ण रूप से परिवर्तित हो गई। उसकी आत्मा से उसके सारे पुराने संस्कार विसर्जित हो गए। आराधना के पश्चात पुंजस्थला स्वर्ग में रहने वाली पुंजस्थला नहीं रही, ना ही उसके हृदय में आपके प्रति कोई प्रेम रहा, ना ही स्वर्ग के लिए कोई मोह। ये आप क्या कह रहे हैं महादेव? क्या आप जानते नहीं कि मेरे मन में पुंजिक स्थला के लिए अभी भी वही प्रेम है? कि आपको ज्ञात नहीं कि मैंने आपकी आराधना पुंजिक स्थला के पहले वाले रूप को फिर से पाने के लिए ही की थी? हम सब कुछ जानते थे पवन देव, परंतु हम पुंजिक स्थला और केसरी को पहले ही वरदान दे चुके थे और ये चाहते थे कि आपके हृदय में पुंजिक स्थला के प्रति जो मोह बच रहा हो वो भी समाप्त हो जाए। हम दोनों का तो जन्म जन्मांतर का संबंध है, क्या आप ये बात भी नहीं जानते थे शिवशंकर? जो संबंध पाप और शाप का कारण बने उसे समाप्त हो जाना चाहिए पवन देव। हम चाहते हैं कि हमारी आराधना के फल स्वरूप आपका मन बिल्कुल पवित्र हो जाए और आप सारी पुरानी बातों को भूल जाए। प्रणाम कैलाशपति शिवशंकर। देवराज इंद्र, आप पधारिए। क्या आप लोग पवन देव को स्वर्ग लोक ले जाने के लिए आए हैं? आप तो कन कन का हाल जानते हैं विश्वेश्वर, और अब तो पवन देव का प्रायश्चित भी पूरा हो चुका है और इनके बिना स्वर्ग भी सूना है। इन्हें स्वर्ग ले जाने की आज्ञा दीजिए। पवन देव, क्या आप भी यही समझते हैं कि आपका प्रायश्चित पूर्ण हो चुका है? ये तो आप मुझसे अधिक जानते हैं भोलेनाथ। जब तक आपके मन में पिछले प्रेम का कण मात्र भी शेष है तब तक आपका प्रायश्चित अधूरा है। अब आप स्वयं ही निर्णय कीजिए। शिव शंकर, यदि आप पवन देव को स्वर्ग ले जाने की आज्ञा दें तो हम सब आपके आभारी होंगे। इंद्रदेव, पवन देव को स्वर्ग से आप ही ने तो बहिष्कृत किया था, हमने तो इनके तड़पते मन को शांति पहुंचाने के लिए ही इन्हें कैलाश में शरण दी थी। ये सत्य है महादेव, अपने मित्र के साथ कठोर व्यवहार के लिए मैं अब भी लज्जित हूं, परंतु अब देवराज, पवन देव को जिस विशेष कार्य के लिए कैलाश में शरण दी गई थी वो अब भी शेष है। जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता पवन देव को यहीं रहना चाहिए, समय आने पर ये स्वयं ही स्वर्गलोक पहुंच जाएंगे।
देवराज देखिए, वो देखिए, रावण फिर से तपस्या कर रहा है। ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो। और वो दो कौन है? वो दोनों रावण के भाई बहन हैं, जो तपस्या के समय रावण की रक्षा कर रहे हैं। भाई का नाम कुंभकर्ण है और बहन शूर्पणखा। अर्थात ब्राह्मण कुल में उत्पन्न तीनों दुष्टों ने हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। देवराज, इन्हें सफल होने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए। यदि एक बार रावण ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करने में सफल हो गया, फिर इन्हें वश में करना असंभव होगा। तो इसी समय इन तीनों दुष्टों को यही समाप्त कर दो। वरुण देव, आप अग्निदेव को साथ लेकर ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। जो आज्ञा देवराज। रहना होगा रावण के पास। अब तुम्हें उसकी तपस्या की रक्षा करनी होगी। चाहे जितना बड़ा संकट आ जाए, तुम यहां से डरकर भागोगे नहीं। प्राण भी चले जाए, फिर भी नहीं हटोगे, ठीक है? हाँ माँ, आप विभीषण भैया को भी यहाँ भेज दीजिए। हम तीनों मिलके भैया की रक्षा करेंगे। वो कायर यहाँ नहीं आएगा।
उसके पिता ने उसका चित्त धर्म से भ्रमित कर दिया है। उसे अपने भ्राता के प्रति तनिक भी लगाव नहीं है। अच्छा बच्चों, अब मुझे लौटना होगा। चाहे जो हो जाए, यहाँ से हटना नहीं। जो आ गया माते, प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। देवराज, अखंड तपस्या से रावण का तपोबल बढ़ गया है। हमारे प्रहारों का अब उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। अब रावण की तपस्या भंग करने के लिए हमें अन्य उपायों का आश्रय लेना होगा। देवराज, नहीं, आप दोनों के होते हुए हम अन्य उपायों का सहारा क्यों लें? क्या हम ब्रह्मा जी से प्रार्थना नहीं कर सकते कि वो रावण को वरदान ना दे? वो हम कर चुके हैं वरुण देव। रावण की तपस्या के विषय में वे कुछ कहना या सुनना नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि हम विधि की विधान में बाधा ना डालें। जो हो रहा है उसे होने दें। तब तो आपको हम दोनों वरुण और अग्नि के अतिरिक्त पवन देव की भी सहायता लेनी चाहिए। समय आने पर हम वो भी करेंगे, परंतु इस समय पवन देव शिव की आज्ञा में है। आप दोनों का ही कर्तव्य है रावण को तपस्या से विरक्त करना। जो आज्ञा देवेश। नमो हुस्वाय च वामनाय च वामनाय च नमो बृहते च नमो बृहदे च वर्षीय स्वाहा वर्षीय स्वाहा नमो वृद्धाय च नमो वृद्धाय च सर्वधे च सर्वधे च नमो अग्राय च नमो अग्राय च प्रथमाय च स्वाहा प्रथमाय च स्वाहा नमो शंभवाय च नमो शंभवाय च मयोभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च नमः शंकराय च मयस्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा शिवतराय च स्वाहा। पुत्र विभीषण, तुम पूर्णतः मेरा स्थान ग्रहण कर चुके हो। एक गुरु के नाते, एक ब्राह्मण शिष्य के रूप में मैं तुम्हारी धर्म साधना से प्रसन्न हूं। इसलिए तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि एक राक्षस माता के उदर से उत्पन्न होने पर भी तुम्हारा नाम धर्मात्मा के रूप में प्रतिष्ठित होगा। तात, आप मेरे पिता और गुरु दोनों हैं। यह भी आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपके कामना के अनुरूप सिद्ध हो सकूं। तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण हो। तुम्हारी कामना पूर्ण हो ना हो विभीषण, मेरी कामना तो अभी तक अधूरी है। आज्ञा दो माते, मुझे क्या करना होगा? पिता और माता दोनों ही मेरे लिए पूज्य हैं।
बरसों की कठोर तपस्या के पश्चात भी तुम्हारा अग्रज रावण वरदान से वंचित है। अपने पिता के साथ धर्म साधना करते हुए तुम्हें इस बात का तनिक भी विचार नहीं आया? आया था मां, परंतु क्षमा करना, हम दोनों के मार्ग अलग अलग हैं। मार्ग अलग अलग होते रहे परंतु माता पिता तो वही हैं, और फिर माता का स्थान तो पिता से भी बड़ा होता है, क्योंकि अपनी संतान के लिए वही सबसे ज्यादा कष्ट उठाती है। विभीषण इस सत्य को अस्वीकार नहीं करेगा देवी, और वो धर्म का मार्ग कभी नहीं छोड़ेगा। तो क्या मेरे रावण, कुंभकर्ण और शूर्पनखा ने अधर्म का मार्ग पकड़ के रखा है? आपने सदा उन तीनों की उपेक्षा की है और विभीषण का पक्ष लिया है, परंतु ये ना भूलिए कि विभीषण भी तो मेरा ही पुत्र है। उद्विग्न न हो माते, आज्ञा दो मुझे क्या करना है, मैं अवश्य पुत्र धर्म का पालन करूंगा। तो जाओ रावण के पास, जब तक उसकी तपस्या सफल नहीं होती उसे सहयोग दो। जो सिद्धियां तुमने अपने पिता से प्राप्त की है उनका उपयोग रावण की सहायता में करो। जाओ। जो आज्ञा मां। विभीषण, मैं इस आश्रम का उत्तरदायित्व तुम्हें सौंप चुका हूं पुत्र, ये मत भूलो। पिताश्री, जब तक रावण की तपस्या पूर्ण नहीं हो जाती इस आश्रम के अधिष्ठाता आप रहेंगे। विभीषण को पुत्र धर्म का पालन कर लेने दीजिए। धन्य हो पुत्र, धन्य हो, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुमने अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। कल्याण हो पुत्र। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। 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 ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। ओम ब्रह्मदेव प्रसन्न हो, प्रसीद प्रसीद ब्रह्मदेव। नारायण 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 नारायण, वानर महाराज केसरी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पर आप कौन है मुनिवर? अरे मुनिवर आप, प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो देवी पुंजिक स्थला। नहीं नहीं, वानर महारानी देवी अंजना। आप सब जा सकती हैं। देवश्री, धन्य भाग हमारे जो आपने हमारा ये महल पावन किया। वानर महाराज केसरी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देवश्री, उन्हें राजकाज से समय ही कहाँ मिलता है। तुमने ठीक कहा देवी, सुना है उन्होंने अपने राज्य की सीमाएं समुद्र पर्यंत विस्तृत कर ली है। देवश्री, ये तो मैं नहीं जानती, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि उन्हें आपके पास रहने के लिए समय नहीं मिलता। ये तो अच्छी बात नहीं है देवी। देवी, मैं बड़े दिनों से आपसे एक महत्वपूर्ण बात कहने की सोच रहा था, परंतु 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 क्या देवश्री? देवी, क्या आपको याद है पिछले जन्म में भगवान शिव ने आपको क्या वरदान दिया था? देवश्री, पिछले जन्म का तो मुझे कुछ पता नहीं,
आप ही बताइए ना, क्या वरदान मिला था मुझे? नारायण नारायण, वो वरदान पाने में आप अकेली नहीं थी देवी, आपके पतिदेव महाराज केसरी भी आपके सहभागी थे। बताइए ना देवशी, वो कौन सा वरदान था? के आप जिस महान पुत्र की माता बनेंगी, वो रुद्र का 11वां अवतार होगा। ऐसा चमत्कारी बालक संसार में ना हुआ था ना होगा। आप सत्य कह रहे हैं देवर्षि? मैं सत्यवादी नारायण भक्त हूं देवी, मेरी बात पर अविश्वास ना करो। परंतु वो बालक आपको सरलता से प्राप्त नहीं होगा, उसके लिए आपको कठोर तपस्या करनी होगी। कठोर तपस्या? मैं समझी नहीं देवर्षि। आपको इस महल का मोह त्याग कर वन की कठोर धरती पर शिव की तपस्या करनी होगी। शिव की तपस्या? हाँ, शिव की तपस्या। देवर्षि, हमारे विवाह को बरसों बीत चुके हैं और आज तक मेरी गोद सुनी है। क्या आप जानते हैं मेरी उदासी का एकमात्र कारण यही है? मैं जानता हूं देवी, इसी समस्या का समाधान करने के लिए तो मैं यहां आया हूं। देवी, उस महान आत्मा का आगमन केवल आपकी तपस्या से ही संभव है। अब वो समय निकट आ गया है देवी, एक क्षण की भी देर ना करो, एक क्षण की भी देर ना करो देवी। वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगल ही करते मंगलमय भगवान, मंगल को जन्म मंगल ही करते मंगलमय भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय जय हनुमान। कोई तुम्हारे अतुलित बल का कर न सका